ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं निलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश सतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवेश्या कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम सब अध्ययन कर रहे थे किस तरह पिछला कक्षा में कि अर्जुन अश्वत्थामा को के पीछे भाग रहे थे उनको पकड़ने के लिए, और अश्वत्थामा कैसे द्रौपदी के पुत्रों को हत्या करके भाग के चले जा रहे थे, और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और अर्जुन भगवान को प्रार्थना करके ब्रह्मास्त्र को नियंत्रण में करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध लेते हैं और कृष्ण तुरंत अर्जुन को बोलते हैं, इसको तुरंत मार दो, ये आतताई है, इसको तुरंत मार दो। पर अर्जुन अश्वत्थामा को हत्या नहीं करके अपने शिविर में लेके आते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस तरह अश्वत्थामा जब शिविर में आते हैं द्रौपदी युधिष्ठिर और बाकी पांडवों का कैसे रिएक्शन, किस तरह वो इस परिस्थिति को सामना करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं लाभ कर सकते हैं। स्पेशली विशेषतः द्रौपदी जी की, जो द्रौपदी किसी तरह इस देखिए अश्वत्थामा उनके पुत्रों को मारा है, पर द्रौपदी किस तरह अश्वत्थामा को क्या करते हैं उससे हम अपने जीवन में बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उससे द्रौपदी जी का भी समझ में आता है कि द्रौपदी क्यों कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं। देखिए हम सब भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के पार्षदों के बारे में गुणगान सुनते हैं, जैसे आज द्रौपदी जी के बारे में सुनेंगे हम। पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे इन चरित्रों को अपने जीवन में उतारें। भगवान इन सबको हमारे बीच में लेके आते हैं हमसे शिक्षा, हमको शिक्षा देने के लिए। तो इन चरित्रों से क्या हम सीख सकते हैं अपने जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह द्रौपदी एक मूर्तिमान स्वरूप हैं, त्याग का, बलिदान का, दृढ़ता का,
और भक्ति का. हाउ द्रौपदी इज एन एम्ब्लेम ऑफ डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन. तो पहला हम श्लोक उच्चारण करेंगे. ये श्लोक आता है कि अर्जुन अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध के बस शिविर में लेके आ गए हैं द्रौपदी जी के सामने. एंड सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी अभी द्रौपदी जी का रिएक्शन एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये. तो आप सब दोहराइए मेरे पीछे पीछे. श्लोक क्रमांक प्रथम स्कंद सातवां अध्याय 42 नंबर श्लोक, फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 42. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 42 नंबर श्लोक. तथा हृतं पशुबत् पाशबन्ध. तथा हृतं पशुबत् पाशबद्ध. अवाक् मुखं कर्म जुगुप्सितेन. निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोसुता. वाम स्वभावा कृपया ननाम च. तथा हृतं पशुवत पाशबद्धा. अवाक् मुखं कर्म जुगुप्सितेन. निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुता. वाम स्वभावा कृपया ननाम च. तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम. तो उनको अश्वत्थामा को पशु की तरह बद्ध करके जब अर्जुन द्रौपदी जी के सामने लेके आए, अवाक मुखम उनका मुंह बंद हो गया था. जुगुप्सितेन कर्म, क्योंकि इतना गंदा घिलोना काम किए थे अश्वत्थामा, जिसके वजह से अभी देखिए अश्वत्थामा द्रौपदी जी के सामने आ रहे हैं, मतलब जिनके बेटे को मारे थे उनके सामने खड़ा कर दिया अर्जुन ने. तो द्रौपदी जी का रिएक्शन क्या होगा, कितना भयावह हो सकता है, वो सोच के अश्वत्थामा अवाक थे कि क्या करेंगी द्रौपदी, मेरे को चांटा मारेगी, सैंडल उठा के मारेगी, कुछ भी हो सकता है. तो निरीक्ष्य कृष्णा पकृतम गुरो सुतम, कि जैसे ही द्रौपदी जी के सामने अश्वत्थामा आए, तो अश्वत्थामा वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाउ द्रौपदी विल बिहेव, बिकॉज आई हैव जस्ट किल्ड हर ऑल द सन्स फॉर नो रीजन, एंड हाउ
बिकॉज द्रौपदी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी. ऐसे कहा जाता है कि द्रौपदी इज बॉर्न फ्रॉम फायर. द्रौपदी हमारे जैसे हम जैसे पैदा हुए हैं माता के गर्भ से, वैसे द्रौपदी पैदा नहीं हुई है. यज्ञ कुंड से डायरेक्टली द्रौपदी पैदा हुई, किशोर अवस्था में ही द्रौपदी पैदा हुई है. किशोरी अवस्था में डायरेक्टली सी इज बॉर्न एज ए 16 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम द यज्ञ कुंड. सी इज नॉट बॉर्न लाइक ऑल ऑफ अस एंड सी इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी. सी इज बॉर्न फ्रॉम फायर एंड अश्वत्थामा खुद देखे हैं कि द्रौपदी के अपमान से पूरा 100 कौरव और पूरा कौरव सेना जल गया है केवल द्रौपदी जी के अपमान से. तो इसीलिए अश्वत्थामा अवाक मुखम कर्म जुगुप्सितेन, इतना घिलौना काम किए हैं वो, इसलिए अवाक मुखम के खड़े हैं कि किस तरह नाउ द्रौपदी विल रिएक्ट. एंड सुत गोस्वामी एक शब्द में बताते हैं कि बामा स्वभावा, द्रौपदी बाम स्वभाव की थी, इतना कृपया द्रौपदी के हृदय में इतना कृपा उत्फुल्लित हो रहा था कि ननामच. द्रौपदी जैसे ही अश्वत्थामा को देखी कि गुरोर सुतम, ये तो मेरे गुरु के पुत्र है तो मेरे को दंडवत करना चाहिए, तो द्रौपदी तुरंत ननामच तुरंत दंडवत करती है. आप सब थोड़ा विचार करके देखिए, कलयुग में तो शिष्य गुरु को ही दंडवत नहीं करते हैं, 10 बार सोचते हैं, गुरु को ही गाली मार देते हैं, गुरु को ही कितना क्या कुछ बुरा भला सब कुछ बोल देते हैं, गुरु से ही झगड़ा कर लेते हैं, ये कलयुग के शिष्य हैं. पर इधर देखिए द्रौपदी जी को, जो उनकी पुत्र को हत्या किया है, उनका अपने गुरुदेव के साथ कनेक्शन देख के द्रौपदी नमस्कार कर रहे हैं कि ये सम्मान जिए हैं. तो ये हमको विचार करना चाहिए कि पहला गुण जो हम द्रौपदी जी में देख रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन टू फॉलो धर्म. जब कुरु सभा में दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए थे और द्रौपदी जी को भी दांव पे लगा दिए थे और हार गए थे, तो दुर्योधन चिल्ला के, दुर्योधन की सभा कुरु सभा में जो मैसेंजर है उनका नाम है प्रतिकमीन, तो तुरंत दुर्योधन चिल्लाने लग गए जाके द्रौपदी जी को लेके आओ इधर. तो प्रतिकमीन डरने लग गए ये सोच के कि कैसे मैं राजकन्या को राजवधु को इधर लेके आऊंगा. तो प्रतिकमीन डर डर के उधर पहुंचते हैं और बहुत भयभीत होते हैं. तो द्रौपदी उनको देख के भयभीत होके पूछने लगती है क्या हो गया. तो प्रतिकमीन सब समाचार देते हैं, ऐसे हो गया तो आपको बुला रहे हैं. और द्रौपदी जी अपना सिचुएशन को दुख नहीं देख के, प्रतिकमीन का दुख देख के उसको सांत्वना देते हैं. द्रौपदी जी नहीं सोच रहे हैं कि अरे मेरे को अभी दुशासन लेके आ गया, तो प्रतिकमीन का सिचुएशन देख के कि अरे मैं अगर उधर नहीं आऊंगा ये मर जाएगा, दुर्योधन पहले इसको प्रतिकमीन को मार देगा, तो उससे अच्छा है मैं ही चला जाता हूं. और द्रौपदी जी बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं प्रतिकमीन को कि बोल रहे हैं, द्रौपदी जी बोलते हैं प्रतिकमीन को कि देखिए सुख दुख जीवन में आता ही रहेगा, सबके जीवन में सुख और दुख आएगा, पर मैं अगर हर परिस्थिति में धर्म को छोड़ूंगा नहीं तो ये मेरे जीवन में सुख भी मंगल में लेके आएगा और दुख भी मंगल में लेके. तो द्रौपदी इज अ पर्सोनिफिकेशन हु वाज डिटरमाइंड टू फॉलो एंड प्रैक्टिस धर्म इन ऑल सिचुएशंस. लोग आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करते हैं, हम भक्ति करते हैं
और हम क्या सोचते हैं, जैसे ही हम भक्ति करेंगे जीवन का सारा समस्या दूर हो जाएगा और मेरे जीवन में बहुत शुभ मंगल सब क्रिएट हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी डज नॉट ऑलवेज एंश्योर ऑस्पिशियसनेस इन आवर लाइफ्स। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू एंश्योर दैट हमारे जीवन में मैं अगर भक्ति करूंगा सब कुछ सही हो जाएगा। हमको अपना कर्म भुगतना पड़ेगा, पर आध्यात्मिकता और भक्ति हमको सिखाएगा उसको भुगते हुए हम कैसे हमारे जीवन में मंगलमय क्रिएट करें। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट नेसेसरीली एंश्योर टू क्रिएट ऑस्पिशियस सिचुएशन इन आवर लाइफ, बट इट एंश्योर्स टू रेस्पॉन्ड, इट टीचेस अस हाउ टू रेस्पॉन्ड एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ इन द मोस्ट ऑस्पिशियस। आध्यात्मिकता हमको शुभ और मंगलमय सिचुएशन हर समय देगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी बीमारी होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति को भी अपने जीवन में समस्या को सामना करना पड़ेगा, जिस तरह द्रौपदी और पांडवों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर द्रौपदी जी ये दिखा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में द्रौपदी और पांडव धर्म को छोड़ेंगे। और तो और जो व्यक्ति उनकी सारे पुत्रों को मार दिया उसको भी अपने गुरु के सुत गुरु के पुत्र देख के वो सम्मान कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वी ट्राई टू लर्न दिस फर्स्ट लेसन इन द लाइफ दैट वी आर डिटरमाइंड टू फॉलो धर्मा इन ऑल सिचुएशंस, वेदर success or failure, whether good or bad, whether any situation, कोई भी परिस्थिति में। पहला चीज जो द्रौपदी जी हमको दिखा रहे हैं सिखा रहे हैं कि is to follow dharma, to never leave the dharma। द्रौपदी जी का हमको विचार करना चाहिए कि क्या क्या नहीं बीता उनके साथ। वो अग्नि से पैदा हुए, यज्ञ कुंड से पैदा हुए, उसके बाद पांच पांडवों से शादी हुआ, उनसे उनका वस्त्र हरण हुआ। आप थोड़ा विचार कीजिए, एक नारी जिनको पूरा कुरु सभा में, ऐसे नहीं कि खाली कौरव और पांडव और भीष्म पितामह धृतराष्ट्र, पूरा मंत्री लोग थे, राज्य के बहुत सारे सिटीजन्स भी थे, सबके सामने द्रौपदी जी को खींच के लेके आए थे दुशासन जी। उसके बाद उनको वनवास हुआ, वनवास में भी जयद्रथ आया था उनको किडनैप करने के लिए, और उसके बाद कीचक, जब विराट राज में थे कीचक भी द्रौपदी जी को अत्याचार किया था, जिनको भीम बद्ध किए थे। उसके बाद उनके सामने अभिमन्यु, हालांकि अभिमन्यु सुभद्रा जी के एक पुत्र थे बट हाँ तो पुत्र ही हुए द्रौपदी जी के, उनका हत्या हुआ, और अभी उनके खुद के इतने सारे पुत्रों का हत्या हुआ। अगर देखा जाए तो द्रौपदी जी को कुछ भी मंगल उनके जीवन में हुआ नहीं। आज के जमाने के कोई भी व्यक्ति को अगर द्रौपदी जी के जैसा परेशानी आ जाए तो पहले परेशानी में ही वो सुसाइड कर लेगा, या फिर हजार ठो गाली मारेगा भगवान को, ये दोष है वो दोष है ये है वो, खुद ही अधर्मिक बन जाएगा, खुद ही पाप करने लग जाएगा। ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल हो जाते हैं वो बहुत कभी कभी आके कन्फेस करते हैं कि मैं क्यों क्रिमिनल क्यों बना, बिकॉज आई वॉज एक्सप्लॉयटेड, बिकॉज आई वॉज एक्सप्लॉयटेड इन लाइफ दैट्स वाई आई स्टार्टेड एक्सप्लॉयटिंग अदर्स। बट वी कैन लर्न हाउ द्रौपदी इज डिटरमाइंड टू फॉलो द पाथ ऑफ धर्म amidst all exploitations, amidst all tribulations in her life. So spirituality
does not necessarily ensure. It will, it can, but it does not necessarily always ensures that we will have always an auspicious situation in our life, because this world is a world of misery. भगवान भगवद गीता में बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम. अगर द्रौपदी जी जो यज्ञ कुंड से पैदा हुई हैं, हम सब तो यज्ञ कुंड से पैदा नहीं हुए, so we can expect what will happen to our life. अगर द्रौपदी who is born out of यज्ञ कुंड, if she and all the Pandavas have to face such tribulations, because this world is a world of inevitable tribulations. इस दुनिया से हम समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, और आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करने से समस्या चला जाएगा, प्रॉब्लम्स चला जाएगा, ये कभी नहीं होगा. स्पिरिचुअलिटी विल नॉट एंश्योर दैट प्रॉब्लम्स विल नॉट कम इन आवर लाइफ. स्पिरिचुअलिटी विल एंश्योर टू रेस्पॉन्ड दोज प्रॉब्लम्स इन द मोस्ट ऑस्पिशियस वे, इन द मोस्ट पॉजिटिव वे. आध्यात्मिकता हमको शिक्षा देगा, जिस तरह द्रौपदी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की बहुत बड़े भक्त हैं. सी इज टीचिंग अस हाउ टू रेस्पॉन्ड सच ए सिचुएशन. आप सोचिए, आपका बेटा का कोई हत्या करके आपके सामने उसको लेके आ जाए, आप क्या करेंगे? जरूर मारेंगे उसको. Draupadi is teaching us. Draupadi is seeing his connection with Dronacharya, and first Draupadi is following the etiquette of putting dandavat. So etiquettes are very important. Main dharma ko kabhi bhi tyag nahi karunga. Draupadi jab Kuru Sabha mein Draupadi ji ko bulate hain, aur Draupadi Pratika mein ko bolte hain ki agar Bhishma aur Dhritarashtra mar ko bulayenge to main zarur jaunga. प्रतिकमिन आके बोलते हैं कि युधिष्ठिर तो खुद ही हार गए हैं, अगर वो खुद हार गए हैं, सब कुछ हार गए हैं, तो उनका क्या शक्ति है कि उनकी पत्नी को दाव पे लगाए? पर द्रौपदी जरूर आएगी कुरुसभा में अगर भीष्म और धृतराष्ट्र, जो द्रौपदी जी के सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर बुलाएंगे तो. द्रौपदी, युधिष्ठिर, पांडव कभी भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किए. कोई भी परिस्थिति उनको मर्यादा उल्लंघन करने के लिए हिला नहीं पाया. दे वर डिटरमाइंड टू फॉलो द एटिकेट्स, डिटरमाइंड टू फॉलो धर्म. इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु बोला जाता है, द्रौपदी को अजात शत्रु बोला जाता है, कि उनकी बेटे को, हत्यारा को भी वो दंडवत कर रहे हैं. बामा स्वभावा कृपया नमामचा, कि वो देख रहे हैं गुरोर सुतम, ये तो मेरे हमारे गुरुदेव के बेटे हैं, तो मैं हम ये तो सम्मान जनी है. और तुरंत द्रौपदी जी बता रहे हैं, और देखिए द्रौपदी जी क्या बता रहे हैं. So first lesson that we are learning is to respond in spiritual way. Spirituality will not ensure that problems will not come in our life. Samasya hamare jivan mein aayega ya aayega. Whether we become spiritual or not, problems will anyway come in our life. But spirituality will help us to deal the problems in spiritual way, so that we don't increase the problem, we don't aggravate the problem. Nahi to Prahlad Maharaj batate hain, dukkha ausadham tadapi dukham. Ek dukh se humko hazar dukh, ek dukh ka solution se humko hazar dukh milta hai. Aur Draupadi ji turant Arjun ko batate hain, aur Krishna ko batate hain, sabko batate hain. Kya batate hain? आगे जाके हम देखेंगे टेक्स्ट नंबर 43. आप सब टेक्स्ट नंबर 43 खोलिए. द्रौपदी जी क्या बताते हैं?
उवाच चाशयन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरं गुरु। तो जल्दी से मुच्यताम इनको जल्दी छोड़ दो खोल दो। किस तरह आप बांध के रखे हैं, ये तो ब्राह्मण है और ये हमारे गुरु के पुत्र है, इनको तुरंत छोड़ दीजिए। और क्यों छोड़ेंगे, द्रौपदी इज गिविंग सम रीजंस ही हैज टू गिव ना फॉर हर बिहेवियर, दैट सी इज पुटिंग दंडवत, सी इज टेलिंग टू रिलीज द अश्वत्थामा। तो द्रौपदी इज गिविंग द फर्स्ट रीजन। सरहस्य धनुर्वेद सवि सर्गोपशम्यमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहा। तो द्रौपदी बोलते हैं कि अरे अर्जुन आप क्या भूल गए हैं कि इनके पिताजी के अनुग्रह से ही कृपा से ही आप इतना धनुर्वेद सीखा कि स्वर्ग तक आप चले गए और स्वर्ग से भी अस्त्र शस्त्र लेके आए, और वो शिक्षा के आपने भूल गया, उस कृतज्ञता के वजह से तो एटलीस्ट इसको छोड़ दो, पशु की तरह मत बांधो, ये पशु योग्य नहीं है, ये तो हमारे सम्मान योग्य हैं, हालांकि ये पशु की तरह काम किए हैं, पर हमको क्योंकि वो पशु बन गया तो हम भी पशु बन जाए और कृतज्ञ ज्ञापन ना करें, सम्मान ना करें, तो वो पशु और हम पशु में क्या अंतर है, वो तो ऑलरेडी पशु बन गए हैं, पर अगर हम अकृतज्ञ हो जाएंगे तो हम भी पशु बन जाएंगे उनके साथ, और उनका कार्य से हमारा कार्य और भी खराब हो जाएगा। ये द्रौपदी जी अर्जुन को बता रहे हैं, कोई ऐसे जिसका बेटा का हत्या हुआ है कोई बता पाएगा, सोचिए। हम पढ़ लेते हैं कि द्रौपदी इज कृष्णस बेस्ट फ्रेंड, बट भागवत में द्रौपदी जी के बारे में वर्णन किया गया है कि इन दैट सिचुएशन आल्सो सी इज एबल टू रिमेंबर व्हाट ऑल ग्रेट थिंग्स द्रोणाचार्य हैड डन फॉर देयर लाइव्स एंड सी इज टेलिंग दैट हाउ वी शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज जो अकृतज्ञ होता है ना वो पशु से भी खराब हो जाता है, पशु से भी बदतर हो जाता है। पंचतंत्र में कहानी आता है, एक आदमी को एक शेर लायन भगाता रहता है मारने के लिए, जंगल में चला जाता है, वो जंगल में उसको दौड़ाता है, उसके पीछे एक शेर पड़ जाता है, तो आदमी भाग भाग के जान बचा के भाग भाग के एक पेड़ में चढ़ जाता है, बड़ा पेड़ में, और जब पेड़ में चढ़ जाता है तो दैट लायन पूरा पेड़ के इर्द गिर्द से घूम रहा है, और ये व्यक्ति पूरा डर के मारे ऑलरेडी कांप रहा है, हांप रहा है, और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और कितना दिन पेड़ के ऊपर बैठेगा रहा है, और शाम हो गया, रात हो गया, अब जब और थोड़ा पेड़ के ऊपर जाके बैठने का कोशिश किया, ये व्यक्ति को पता चला कि पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा भालू बैठा हुआ है। तो आदमी सोचा, बाप रे, पेड़ के ऊपर भालू, पेड़ के नीचे शेर, मैं तो आज जरूर मरने वाला हूं। तो आदमी बैठ गया चुप से, ऐसे बैठ गया लटक के पेड़ में कि जैसे भालू को पता ना चले। तो अचानक से आदमी को सुनाई दिया कि शेर और भालू बातचीत कर रहे हैं। शेर बोल रहा है भालू को, इसको तुम गिरा दो तो ये गिर जाएगा, तो मैं खा लूंगा और आधा तुमको भी दूंगा। भालू बोल रहा है, मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों उसको गिराऊं, मैं तो इस पेड़ का सहारा लेके आया हूं, और उसी तरह ये व्यक्ति भी पेड़ का सहारा लिया है, ना पेड़ मेरा है ना ये आदमी का है, पेड़ तो भगवान का है,
और पेड़ अगर इस आदमी को सहारा दिया है और मेरे को भी सहारा दिया है, तो मेरा क्या, मेरा क्या हक है? व्हाट राइट डू आई हैव कि आदमी को नीचे भेजूं? मैंने भेजूं। तो शेर देखा तो नहीं होने वाला है। तो फिर कुछ समय के बाद एक घंटा चला गया और रात बढ़ने लग गया, तो ये शेर आदमी से बात करने लग गया। तब देखा कि शेर भालू सो गया है, तो ये आदमी से बात करने लग गया कि देखो मेरे को तो किसी को खाना है, भूख लग रहा है, तो तुम अगर भालू को गिरा देगा तो भालू को मैं खा लूंगा और मैं अपना रास्ते चला जाऊंगा, कल सुबह तुम निकल जाना, मेरा पेट भर गया और तुम भी निकल गया, तू भी बच गया। तो आदमी सोचा बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो क्या किया, वो सोए हुए भालू को गिराने का कोशिश किया, पर वो जो जोर से गिराने का कोशिश किया, भालू का बहुत बड़ा बड़ा नाखून होता है और भालू उलट के जाके फिर से लटक गया पेड़ में, और क्योंकि भालू निकल गया हाथ से तो ये आदमी नीचे गिर गया। अब जैसे नीचे गिरा, शेर ऐसे उसको दबोचा, उसको ऐसे उसका गर्दन पकड़ा, खींच के लेके आया और उसको मारा, फिर चला गया, खाया नहीं। तो भालू फिर, अरे ये शेर खाया क्यों नहीं? तो भालू को हैरानी हो गया, ये शेर खाया क्यों नहीं, मारा उसको खाया क्यों नहीं? तो फिर कुछ समय के बाद, एक दो घंटे के बाद, एक्चुअली जब आदमी मर जाता है तो खून बहने लगता है, तो मांस थोड़ा सड़ने लगता है, तो उस खुशबू से सियार लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो बहुत सारे सियार लोग आने लग गए। तो सियार लोग आके देखे, सियार लोगों को पता चल गया कि ये तो शेर से मरा हुआ है। सियार पूछने लग गया भालू को कि ये कौन मारा इसको, ये क्या विष खा के मरा है क्या, हम खाएंगे मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे, ये कौन मारा है और क्यों उसको खाया नहीं? सियार लोग भी इंटेलिजेंट होते, बिकॉज हम सुने कि आज कनिंग आज फॉक्स, हम पढ़े। तो सियार लोग भालू को पूछे कि ये क्या विष खा के मरा है या कैसे मरा है, और जो उसको मारा है उसको खाया क्यों नहीं, लग तो रहा है कि शेर ने मारा, क्या हुआ है बताए, आप अगर सही में हमारे दोस्त हैं आपको बताना पड़ेगा। भालू तो ड्रामा देख ही रहा था, तो भालू बताया सब, पूरा कहानी बताया। सियार लोग बोलो ओ अभी हमको समझ में आया कि शेर ने खाया नहीं क्यों। तो भालू बोला क्यों नहीं खाया, अरे ये तो अकृतज्ञ आदमी है, दिस मैन इज ए मैन ऑफ अनग्रेटफुल मैन, इसका मांस अगर शेर खाएगा वो खुद मर जाएगा, जहरीला आदमी का मांस खाएगा तो तुम इस जीवन से आपको मृत्यु मिलेगा, अनग्रेटफुल आदमी का मांस खाएगा जन्म जन्म तक मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो ये बोल के पूरा सीआर के जो समूह था तो वो भी नहीं खा के चले गए, और वही आदमी, मरा हुआ आदमी का सब ऐसे ही पड़ा रहा, उसको कोई नहीं खाए। फिर गिद्ध भी आए, गिद्ध भी बोले अरे अभी तक कोई उसको टच नहीं किया, क्या हो गया? वो भी आए, फिस्ट किए, वो भी देखे भालू को, फिर भालू फिर कहानी बोला। गिद्ध बोले बाप रे बाप, हम तो इसको छुएंगे नहीं। गिद्ध लोग भी नहीं खाए, सियार लोग भी नहीं खाए, शेर लोग भी नहीं खाए, और क्या था कि अगर हम अकृतज्ञ मनुष्य का मांस खाएंगे, बिसेला मांस खाने से तो हम मर जाएंगे, ये शरीर का मृत्यु होगा, पर अकृतज्ञ मनुष्य का जो विष भरा मांस अगर खाएंगे, जीवन भर हम मरते जाएंगे। तो गिद्ध, सुअर और सियार और शेर को भी पता है द वैल्यू ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो द्रौपदी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि अरे द्रोणाचार्य से हमने इतना सीखा, एंड इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसिंग धर्मा इज टू बी ग्रेटफुल। आज के दुनिया में हम देखते हैं कि पीपल आर सो अनग्रेटफुल, पीपल आर अनग्रेटफुल टू देयर टीचर्स, पीपल आर अनग्रेटफुल टू देयर पेरेंट्स, पीपल आर अनग्रेटफुल टू व्हाटएवर गुड पीपल डू टू अदर्स,
पीपल आर सो अनग्रेटफुल बट अनग्रेटफुल बिहेवियर इज द बिहेवियर वर्स देन द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स. सो द्रौपदी जी बता रहे हैं अर्जुन को, इसको आप पशु की तरह बांधे पर मेरे नजर में आप पशु हैं क्योंकि आप कृतज्ञ नहीं है आपके गुरु के प्रति. आप उसको जल्दी से छोड़ दीजिए तुरंत. और क्या बता रहे हैं? तो फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट थिंग द्रौपदी जी बता रहे हैं कि टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ. तो द्रौपदी इज एन एम्ब्लेम ऑफ ग्रैटिट्यूड इन लाइफ. और हमने देखा द्रौपदी कितने कृतज्ञ थी हर परिस्थिति में. द्रौपदी वॉज ग्रेटफुल इन वॉट एवर सिचुएशन द्रौपदी एंड पांडवस वेर पुट, दे वर ग्रेटफुल. ओ कृष्णा हैज पुट अस इन दिस सिचुएशन, लेट अस सी हाउ वी कैन डू बेस्ट इन दिस सिचुएशन. दे वर नेवर कंप्लेनिंग. हमारे जीवन में थोड़ा सा समस्या आ जाता है हम तुरंत कंप्लेन कर देते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया. बट द्रौपदी नेवर कंप्लेन. देर इज नो श्लोका इन महाभारत और भागवतम वेयर द्रौपदी इज कंप्लेनिंग, अर्जुन इज कंप्लेनिंग. रादर अर्जुन भगवत गीता में अर्जुन भगवान को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हे भगवान मेरे को नहीं चाहिए राज्य, मैं सबको मारना नहीं चाहता हूँ, छोड़ दीजिए मेरे को एनीवे राज्य नहीं चाहिए. हम जंगल में बहुत आनंद में थे, अभी भी हम चल जाएंगे जंगल में चले जाएंगे, इनको राज्य भोग करने दीजिए. सो दैट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द पांडवस एंड द्रौपदी, कि दे वर सो ग्रेटफुल टू व्हाट एवर सिचुएशन कृष्णा पुट्स देम. सो दे वर डिटरमाइंड टू एक्सप्रेस gratitude. They were not complaining कि अरे, they were not blaming. जैसे ही हमारे साथ कुछ हो जाता है, ये किया इसीलिए वो हुआ, वो किया इसीलिए हमारे साथ ऐसे हुआ, ये किया इसीलिए हमारे साथ हुआ. There is, we always complain, we always blame. But Draupadi is not blaming. In no situation she blamed or complained. See, can you imagine she faced the tribulation of getting disrobed in public assembly. Unka vastra aran hua, but she never complained. Never ever in Mahabharat. Vastra haran ka episode ke baad ek baar bhi Draupadi ji ne Yudhishthir ko bola nahi ki aapke wajah se mera vastra haran hua. Ek bhi shlok aapko nahi mila. कभी भी द्रौपदी जी ने बोला नहीं कि आप सब के वजह से मैं आपको आपके साथ शादी किया इसीलिए मेरे को इतना भुगतना पड़ा. एक भी श्लोक आपको नहीं मिलेगा. अर्जुन कभी भी बोले नहीं युधिष्ठिर महाराज को, आपने बेमतलब जुआ खेला, आपकी सुपीरियर भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए इसीलिए हमको इसलिए भुगतना पड़ता है. वेरी ग्रेटफुल. ओके, उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया. तो द्रौपदी वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड द्रौपदी इज टेलिंग अर्जुना दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य से ही आपने अस्त्र शस्त्र सीखा है और उस अस्त्र शस्त्र से यूज करके उन्हीं के बेटे को पकड़ के लिखे आए. तो एटलीस्ट पशु की तरह मत पकड़िए, क्योंकि अगर उनको पशु की तरह पकड़ेंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि हम अकृतज्ञ हो जाएंगे. अकृतज्ञ व्यक्ति मनुष्य पशु से भी बदतर है. एंड देन द्रौपदी इज स्पीकिंग नेक्स्ट श्लोक का नेक्स्ट रीजन व्हाई वी शुड नॉट कैच दुर्योधन अश्वत्थम लाइक दिस. दिस इज फर्स्ट कैंटो 7 चैप्टर 47 नंबर श्लोक, 47 नंबर श्लोक. आप सब दोहराइए 47 नंबर श्लोक. दिस इज सेकेंड रीजन व्हाई द्रौपदी इज टेलिंग दैट वी शुड नॉट डू लाइक दिस टू अश्वत्थम. मारोदित अस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृत वत्सार्ता
रोद्म्यश्रु मुखी मुहु माँ रोदित अश्य जननी। अरे अभी मैं रो रहा हूं क्योंकि एक जननी को ही पता है ना कि उसका बेटा जब मर जाता है तो कितना कष्ट होता है। तो ये गौतम ये भी तो किसी का पुत्र है ना, अश्वत्थामा गौतमी के पुत्र है, कृपाचार्य की पुत्र है, कृपी कृपाचार्य की बहन कृपी और द्रोणाचार्य की पत्नी उनका पुत्र है। द्रोणाचार्य तो चले गए तो कृपी बची हुई है, मेरा तो एटलीस्ट पति लोग बचे हुए हैं, तो बेटा मर गया एटलीस्ट कोई तो है मेरा देखभाल करने के लिए। पर इसका तो माँ है पर पिता नहीं है, तो कृपाचार्य कृपी का क्या होगा? द्रोणाचार्य की पत्नी के बारे में तो सोचो, मेरे को जितना कष्ट हो रहा है क्या उसको उतना कष्ट नहीं होगा? अगर आप अश्वत्थामा को तुरंत मार देंगे तो पशु की तरह। सो द्रौपदी इज नॉट कीपिंग ग्रजेस, द्रौपदी इज एबल टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अश्वत्थामा'स मदर। द्रौपदी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा बेटे को हत्या हुआ तो मेरे को कितना जितना कष्ट मिला उतना कष्ट अश्वत्थामा की मां कृपी को भी मिलेगा, गौतमी को भी मिलेगा। अगर ये मर गई एटलीस्ट मेरे बेटे तो मर गए पर मेरे पति देव तो हैं सब मेरा रक्षा करने के लिए, पर ये अगर मर जाएगा तो कृपी का तो कोई नहीं बचेगा रक्षा करने के लिए। उनके बारे में एटलीस्ट सोच के अर्जुन इसको मारना नहीं चाहिए, हालांकि ये जुगुप्सितम इतना गंदा काम किया है। देखिए इस परिस्थिति में भी द्रौपदी कृपी अश्वत्थामा के माँ के बारे में सोचती है। जनरली हम जब ग्रज रखते हैं, किसी को रिवेंज करते हैं या किसी को कोई गलत काम करते हैं, किसी के साथ गलत काम करते हैं, हम सोचते भी नहीं हैं। जैसे हर व्यक्ति जो दूसरे लड़कियों के प्रति अत्याचार करता है, अगर सोच ले कि अगर मेरी बहन और माँ के साथ कोई ऐसे अत्याचार करेगा तो उसका क्या होगा, तो वो कभी अत्याचार नहीं करेगा। नो वन वुड, क्योंकि मैं अगर किसी लड़की को अत्याचार कर रहा हूं तो मेरे को सोचना चाहिए ये भी किसी का भाई है, किसी के बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। मैं क्या चाहूंगा मेरी बहन मेरी माँ मेरी बेटी का ऐसे हो? सो द्रौपदी इज स्पीकिंग द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ धर्मा एंड सी इज डिटरमाइंड टू फॉलो दैट धर्मा, दैट इज वैष्णव जन तो ये ने कहिए जे पीड़ पराई जाने, वैष्णव इज परा दुख दुखी, दैट वी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। आज के जमाने में हर कोई दूसरों के दुख से सुखी हो जाता है और दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है, बट धर्मा स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस हाउ टू बी पेन्ड बाय सीइंग द पेन ऑफ अदर्स। एंड द्रौपदी सीइंग अश्वत्थामा इन ग्रेट पेन and she is able to remember that I am in so much of pain because I lost my sons. How much pain Aswatthama's mother will undergo if we kill now Aswatthama because of the act what he has done. So we should not kill. So Draupadi is determined to follow dharma. Okay, let the whole world not follow dharma. Let Aswatthama not follow dharma by killing my son. लेट कीचक जो मेरे को गलत आंख दिखाया था वो धर्म फॉलो ना करे, जयद्रथ फॉलो धर्मा नॉट फॉलो द धर्मा, लेट दुर्योधन नॉट फॉलो धर्मा, लेट कर्ण नॉट फॉलो धर्मा, लेट दुशासन हु ब्रॉट मी टू कुरुसवा यूजिंग टेकिंग माय हेयर्स ही मे नॉट फॉलो धर्मा बट आई विल फॉलो धर्मा ऑलवेज इन माय लाइफ। दैट वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ द्रौपदी that I will follow dharma. Whether the whole world follows dharma or not, that is immaterial for me. Let me follow dharma. हमको लगता है
हमारा क्या सिचुएशन है कि लेट होल वर्ल्ड फॉलो धर्म बट आई विल नॉट फॉलो धर्म. बट द्रौपदी इज टेलिंग whether he is following dharma or not, whether she is following dharma or not, I will follow dharma. And Draupadi, agar dekhenge pura yuddh ho jata hai, sab kuch ho jata hai, itna sara sab kuch ka kand kaun the? Dhritarashtra. He was the number one villain. नंबर टू दुर्योधन था. धृतराष्ट्र वॉज द मेन विलियन एंड एवरीवन वॉज नोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम विदुर भीष्म एवरीवन वॉज नोइंग दैट द विलियन फॉर महाभारत वार इज धृतराष्ट्र. एंड द्रौपदी जब सब कुछ मर गए सब कुछ हाउ मेटिकुलसली सी सर्व धृतराष्ट्र एंड गांधारी. Can we do that? We can never do that. इतना प्रेम से द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज दोनों मिलके धृतराष्ट्र और गांधारी को सेवा करते थे और दोनों राजा और रानी नहीं बने. धृतराष्ट्र और गांधारी भी राजा रानी बने युद्ध के बाद भी. भागवत में आता है आगे जाके हम देखेंगे ये आएगा प्रसंग. धृतराष्ट्र क्विट्स होम. विदुर जी आते हैं धृतराष्ट्र को गाली मार के भगाते हैं हस्तिनापुर से. फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बनते हैं द्रौपदी जी रानी बनते हैं. तब तक धृतराष्ट्र और गांधारी राजा रानी बनते हैं और युधिष्ठिर और द्रौपदी इन दोनों को सेवा करते हैं युद्ध के बाद भी. तो द्रौपदी नेवर बज्ड ए इंच फ्रॉम फॉलोइंग धर्म. एक बार भी द्रौपदी ने डिंट ब्लेम युधिष्ठिर फॉर हर गेटिंग डिसरोब्ड. ये युधिष्ठिर के वजह से ही मेरा कुरु सभा में ऐसे अत्याचार हुआ. इवन इन कुरु सभा महाभारत में आता है जब दुशासन थक जाता है द्रौपदी जी को वस्त्र हरण कर नहीं पाता है उसके बाद भी धृतराष्ट्र फाइनली धृतराष्ट्र का आंख खुल जाता है. आंख तो खुले हुआ तो अंधा ही है अभी भी अंधा ही था. पर क्या होता है कि महाभारत में आता है कि एक तो द्रौपदी जी का वस्त्र हो नहीं पाता है उसके बाद एक यज्ञ कुंड था हस्तिनापुर का उस वो आग बुझ जाता है. तो धृतराष्ट्र को लगता है बाप रे बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत ये जुआ का खेल सब कुछ बंद कर देते हैं और धृतराष्ट्र द्रौपदी जी को वर मांगते हैं कि आप कुछ मैंने बहुत हमने गलती कर लिया माफ़ी मांगते हैं द्रौपदी जी से. और द्रौपदी जी युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते हैं और वर्सेस आफ्टर वर्सेस इन महाभारत द्रौपदी जी स्पीकिंग ग्लोरीज ऑफ युधिष्ठिर महाराज कि मेरे पति आपके वजह से आपके धर्म को पालन करने के वजह से ही वो जुआ खेले और ऐसे सब किए तो मेरे पति का सब कुछ आप वापस कर दीजिए उनका कुछ भी गलती नहीं था. दैट वॉज द ग्रैटिट्यूड दैट वॉज द लेवल ऑफ धर्मा दैट द्रौपदी वॉज फॉलोइंग इन हर लाइफ. सी सर्व धृतराष्ट्र गांधारी सी नेवर एवर ब्लेम्ड युधिष्ठिर महाराज ऑलवेज अप्रिशिएटेड द पांडवस. And she is thinking about Kripi, mother of Ashwatthama. So that is why she is Draupadi and we are all of us. So we should understand how the first principle is Draupadi is very much determined to follow dharma in all situations. So हम भक्त बन रहे हैं भक्ति कर रहे हैं आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सारा समस्या चला जाएगा. नहीं, आध्यात्मिकता हमको सिखा रहा है. स्पिरिचुअलिटी इज टीचिंग अस हाउ टू एक्ट एंड रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड इन एवरी सिचुएशन सो दैट इट क्रिएट्स ऑस्पिशियसनेस इन आवर लाइफ. Spirituality will not ensure that problems will not come in our lives. Spirituality will ensure that we will react to those problems
in a positive way, in the most auspicious way, like Draupadi is reacting. She could have at once ordered Arjuna, kill this Ashwatthama who has killed my sons. But she said, no, we should be grateful. He has broken dharma. Ashwatthama has already broken dharma. So why I should break dharma? Just because he has broken dharma? कुत्ता मेरे को काटता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसको कुत्ता को काटूं. So this is very important that let the whole world break dharma. We see nowadays everyone is breaking dharma, everyone is doing sinful activities, and we say what? सबको ही कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं. Just because 99% people are doing sinful activity, that does not mean that if I also do sinful activity, Yamaraj बोलेंगे ओ तो मेजोरिटी होता था मेजोरिटी. यमराज में मेजोरिटी काम नहीं करता है. आप मेजोरिटी लेके जाएंगे, यूनियन बनाएंगे कि अरे हम हमारी मांगे पूरी करो, हम सब मिलके पाप किए थे, हम रोक देंगे आपका, यमराज का नगरी बंद कर देंगे, चल बेनाए चल बेनाए. यमराज ने यमस्य करुणा नास्ति. So Draupadi is showing by her example. The first principle lesson that we are learning is determination, and the second principle is dedication to serve. Draupadi was serving in all situation. Whatever situation came in her life, she was always ready to serve. She never complained. एक बार महाभारत में आता है कि द्रौपदी जी युधिष्ठिर बहुत परेशान हो जाती हैं और युधिष्ठिर महाराज को आके बोलते हैं घर में कुछ खाने के लिए नहीं है. They were like in jungle. कुछ नहीं है और कभी कभी उनको भिक्षा मिलता था और कभी कभी उनको भिक्षा नहीं मिलता था. तो द्रौपदी जी को बहुत खराब लगता था कि मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ, कुंती महारानी को सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, पांडवों का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भेज के जब शादी के समय बोल के भेजे थे कि हर समय इनको अच्छे से खाना देना और मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से. तो द्रौपदी परेशान होकर आके युधिष्ठिर महाराज को बोले कि मैं परेशान हो गया हूँ, कुछ मैं खाने के लिए नहीं बना पा रहा हूँ आप सब के लिए, कैसे आप सब कैसे इधर ऐसे हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ. तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि द्रौपदी पांचाली इतना अच्छा मंगलकार्य सिचुएशन हमारे जीवन में आ गया, कभी हमने सोचा था? तो द्रौपदी बोले कैसे बताइए ना. हम जब राज्य में रहते थे तो साधु लोग हमको मिलने के लिए आते थे हमारे दरबार में, और भगवान इतना करुणामय किए कि हमको साधुओं के बीच में डाल दिया. क्योंकि अब जब दरबार राज दरबार चल रहा था, एक दिन आज साधु कोई आया कथा करने के लिए, कल नहीं आया, परसों आया, फिर दो तीन दिन नहीं आया, पर भगवान ने हमको पूरा साधुओं के बीच में डाल दिया. सोता हूँ तो साधुओं का यज्ञ कुंड से वेद उच्चारण चालू सुनने आता है, और फिर कोई साधु आ जाता है, और इससे अच्छा सिचुएशन क्या हो सकता है. फिर द्रौपदी बोले हाय क्या करें. फिर द्रौपदी प्रार्थना करते हैं तो भगवान सूर्यदेव को बता के अक्षय पात्र देते हैं ताकि द्रौपदी जी कैन नाइसली डू द सर्विस टू पांडवाज एंड कुंती, एंड दैट्स हाउ द्रौपदी गेट्स द अक्षय पात्र, सो दैट शी कैन डू सर्विस नाइसली टू हर हस्बैंड्स एंड टू हर सासुमा. बट द्रौपदी वॉज वेरी डेडिकेटेड इन सर्विस. शी सर्व्ड धृतराष्ट्र एंड गांधारी विदाउट कीपिंग एनी ग्रजेस, कि अरे यही व्यक्ति लोग मेरे बेटे को भी मारे, इतना सारा कांड किया. ही वॉज द पर्सन, ही नेवर थॉट, ही वॉज सर्विंग वेरी मेटिकुलसली. इतना अच्छे से धृतराष्ट्र और गांधारी का सेवा कर रहे थे द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज कि धृतराष्ट्र और गांधारी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे. विदुर आके बोले अरे तुम बुढ़ा हो गया है, मरने के कगार में आ गया है, कब तू जंगल जाएगा और आध्यात्मिकता करेगा, पहले तो अंधा था और तुम जिस व्यक्तियों को परेशान किया वो व्यक्ति लोग तुमको इतना सम्मान से खिला रहे हैं, कैसे तुम उनका हाथ से खा रहा है, तुमको लज्जा नहीं आ रहा है. इस तरह विदुर बताते हैं भागवत में, आगे जाके हम सुनेंगे पढ़ेंगे उसको.
फिर जाके धृतराष्ट्र महाराज का आंख खुलता है कि आहा आहा, मैंने जीवन भर इतना पाप किया, भक्ति नहीं किया। फिर धृतराष्ट्र गांधारी चले जाते हैं वन में, और द्रौपदी रोने लगती है कि सासू माँ कहाँ गए, हम उनका सेवा नहीं किए ठीक से, इसीलिए शायद चले गए। सो वी जस्ट कैंट इमेजिन हाउ मच दीज पीपल वर फॉलोइंग धर्म इन देयर लाइफ, वेदर अदर्स दे फॉलो आर नॉट, आई विल फॉलो धर्म। एंड क्यों द्रौपदी एंड ऑल द पांडवर्स वेर एबल टू फॉलो धर्म टू सच एन एक्सटेंट, बिकॉज दे वर ग्रेट डिवोटीज ऑफ कृष्ण। सो द थर्ड वन मोस्ट अमेजिंग प्रिंसिपल एंड लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द्रौपदीज लाइफ इज डिवोशन। द्रौपदी वॉज डिटरमाइंड टू फॉलो धर्म, डेडिकेटेड टू सर्व द पांडवर्स एंड टू सर्व एवरी वन, बिकॉज शी वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। जब द्रौपदी यज्ञ कुंड से निकलती है, पूरा आकाश पाणी होता है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसलिए द्रौपदी का और एक नाम होता है कृष्णा, मतलब ये कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं कि कृष्णा, वन हु इज द पोजेसर ऑफ कृष्णा, कृष्ण को जो बसीभूत करके रख सकता है, वो द्रौपदी जी के पास शक्ति था। तो जब युधिष्ठिर महाराज, आप सबको कथा पता होगा कि द्रौपदी जब दुर्वासा मुनि आए थे काम्यवन में, द्रौपदी जी और पांच पांडव रहते थे, और दुर्वासा मुनि आए थे और दुर्योधन भेजे थे दुर्वासा मुनि को, और अक्षय पात्र से सब खा लिए थे द्रौपदी जी, तो खाना नहीं था, और दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों को लेके आए थे खाने के लिए, और द्रौपदी जी तब तक खा लिए थे। और दुर्वासा मुनि, आप सबको पता है, वो तो मुनि श्रेष्ठ हैं और साप श्रेष्ठ, श्राप भी श्रेष्ठ देते हैं। और दुर्वासा मुनि, युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ आइए खाइए, क्योंकि उनको पता था कि अक्षय पात्र में अनलिमिटेड खाना मिलता है। पर द्रौपदी जी बोलने लग गई कि मैं तो खा लिया, अभी तो कुछ नहीं निकलेगा, आज के लिए गल खत्म। फिर युधिष्ठिर महाराज चिंता में पड़ गए। फिर द्रौपदी जी उस समय प्रार्थना करती हैं, फिर कृष्ण आते हैं, और कृष्ण अक्षय पात्र के छोटे से तिनके निकाल के खा लेते हैं, और दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य और मुनिवर भी, उनका पेट पूरा भर जाता है, और वो भाग के चले जाते हैं कि बाप रे अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध, जाएंगे द्रौपदी इतना रांधना रसोई की होगी, मैं हम नहीं खाएंगे तो अपराध हो जाएगा, ये सोच के भाग के चले गए। उस समय प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर महाराज रोते रोते कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण आप हमको बचा दिए, आज दुर्वासा मुनि के श्राप से आज हमको बचा दिए। तो कृष्ण उस समय एक श्लोक बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए, ये श्लोक कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, महाभारत में आता है ये श्लोक। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में इसको कोट करते हैं। नृणम एतद् प्रवृद्धं मे हृदयाम् नापसर्पति यद् गोविन्देति चुक्रोशो कृष्णामां दुरवाशिनां। तो कृष्ण बोल रहे स्वयं युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में, ऋणम एतत् प्रवृद्धम में, मैं द्रौपदी जी का ऋणी हूं, और ये ऋण मेरे हृदय में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऋणम में मैं ऋण हूं, किसका, द्रौपदी जी से। हृदयाम नाप शर्पति, और ये ऋण मेरे हृदय में खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। क्यों, यद गोविंदेति चुक्रुशो, क्योंकि एक बार द्रौपदी जी ने चित्कार किया था कुरुसभा में, हे गोविंदा, हे गोपीजन वल्लभा, हे द्वारकावासी। तो इस तरह यद गोविंदेति,
एक बार यद मतलब एक बार गोविंदेति चुक्रु स्वप्ने हृदय से द्रौपदी कृष्णा, कृष्णा मतलब द्रौपदी माम, मेरे को पुकारा था जब मैं दूर में था दूरवासिना, और तब से मैं निर्णय किया हूं कि द्रौपदी का छाया बन के हर समय रहूंगा वो ऋण को चुका करने के लिए, क्योंकि एक बार मैं दूर में था कि द्रौपदी को चित्कार करना पड़ा मेरा हेल्प के लिए, और मैं इतना ऋणी हो गया हूं हे युधिष्ठिर द्रौपदी का कृष्णा का कि अभी द्रौपदी का छाया बन के मैं हर वक्त इधर ही रहता हूँ, कोई भी समस्या होगा मैं पहले ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा गलती किया और उस द्रौपदी जी का ऋणी बन गया हूँ वो गलती के वजह से। कृष्णा माम दूरवासिना, और मैं दूर में था और इसीलिए द्रौपदी जी को चित्कार करना पड़ा और वो इतना कष्ट सहना पड़ा, मैं आया पर लेट करके आया, और उस ऋण को चुका करने के लिए जो ऋण बढ़ते ही जा रहा है मेरे हृदय में बढ़ते ही जा रहा है, हे युधिष्ठिर मैं द्रौपदी का साया ही छाया बन के रहूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, द्रौपदी बुलाए ना बुलाए समस्या आएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। दैट वॉज द पावर बिहाइंड द्रौपदीज फॉलोइंग धर्मा नाइसली। Modern man, we want to become spiritual. There is a big talk in modern man. We want to become spiritual. We want to become positive. And itna sara motivational talk hota hai. But no one remains becomes positive. No one becomes spiritual. Because we don't want God in life. Bhagawan ka bina sakti ke se hum positive and spiritual nahi ban sakte hain. Aaj hi humne dekha. व्हाट्सएप में मेरे को आया कि एक व्यक्ति जो इतना बड़ा मूवी क्रिएट किया लोगों को सुइसाइड से बचाने के लिए, खुद सुइसाइड कर लिया। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट हेल्पिंग पीपल टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। द्रौपदी, एनीवन टुडे आई बेट anyone today faces the same problem like Draupadi will commit suicide much before. But why Draupadi and Pandavas never committed suicide? They never heard any motivational speech. They never saw the movie, what is that movie name? Chichore. They never got any motivational speech. Their entire motivation was based on Krishna's kripa. God's grace. We should understand that without grace of Krishna, we are the most weakest personality in the entire creation. No matter how much ever motivational speech we may hear, no matter how much ever money we may have, no matter how much ever fame we may have, no matter how much ever beauty we may have, but without the grace of Krishna, we are the most weakest and vulnerable person in the entire world and creation. And if we are not taking shelter of Krishna, like the Pandavas and Draupadi, no matter how many motivational speech we may hear, we will always remain in depression and we can never come to positivity. Bhagawan ke bina, there is no question of positivity. बिना राम के राम राज्य आएगा नहीं। टूडेज मॉडर्न सोसाइटी दे वांट गुड बेनिफिट्स ऑफ द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इन देयर लाइव्स। दे वांट टू बी स्पिरिचुअल, दे वांट टू बी गुड इन लाइफ, दे वांट टू बी सेंसिटिव, दे वांट टू बी ह्यूमन। दैट्स व्हाई दे से बीइंग ह्यूमन, बट यू कैन नॉट बी ह्यूमन अंटिल एंड अनलेस यू लर्न टू रेस्पेक्ट हु हैव क्रिएटेड ह्यूमन एंड ऑल अदर एनिमल्स, दैट इज कृष्ण एंड गॉड। Until unless we learn to respect God, we learn to follow God, we learn to love and serve God in life with devotion, we can never become human. And we will do activities more dangerous than animals. No animal commits suicide. We have never heard any animal committing suicide. We have never heard
Pandavas committing suicide. We have never heard Draupadi committing suicide. Oh, itna samasya ho gaya. And Draupadi never ever started Me Too campaign. The Me Too campaign, because I was exploited. Draupadi never started. Why? From where Draupadi was getting the strength? It requires strength to put Dandavat to the killer of your own, murderer of your own son. It requires strength. It requires a lot of strength to put Dandavat, to follow Dharma, to follow Dharma when you are being disrobed, to follow Dharma when your sons are getting killed and the murderer is standing in front of you. It requires a lot of strength. And Draupadi was getting the strength from her devotion to Krishna. And it was only because of devotion that Krishna became such a debtor. कृष्ण इतने बड़े ऋणी हो गए कि मैंने युधिष्ठिर महाराज को बोले कि मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया. मेरे सबसे जीवन काल में सबसे बड़ा गलती था कि द्रौपदी को जोर से चित्कार करना पड़ा, तब मैं आया. तब से मैं निर्णय किया हूं कि द्रौपदी को कभी छोड़ूंगा नहीं. तो दैट वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द्रौपदी. कृष्णा, दो कृष्ण हैं भागवत में. कृष्णा, कृष्ण मतलब भगवान, और कृष्णा मतलब द्रौपदी और अर्जुन. और हम देखेंगे आगे जाके आठवें अध्याय में, जब कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के अंत में कुंती महारानी जो सांस है कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण कृष्णा सखा वृष्णी, हे कृष्ण आप द्रौपदी और अर्जुन के सखा हैं, मेरे को कृपा कीजिए. कौन सांस करेगा ऐसे? पर कुंती महारानी को भी पता था कि कृष्ण का कृपा चाहिए, तो मेरे को कृष्ण को बोलना चाहिए कि हे कृष्ण आप मेरे को कृपा कीजिए, मैं द्रौपदी जी की सांस हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा कृपा मिलना चाहिए. तो कुंती महारानी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द डिवोशन ऑफ द्रौपदी जी एंड अर्जुना. शी इज नॉट कंसिडरिंग, ओ ये तो मेरी बहुरानी है, ये तो मेरा बेटा है. उनको पता है ये मेरी बहुरानी हो सकती है, ये मेरी बेटा हो सकता है, पर भगवान के भक्ति के डायरी में ये बहुत ऊंचे हैं. इनका सेवा करूंगा तो भगवान का कृपा मिलेगा. तो आगे जाके हम श्लोक पढ़ेंगे. कुंती महारानी अपना प्रार्थना ऐसे अंत करते हैं, हे कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि, हे कृष्ण आप कृष्णा के सखा हैं, आप अर्जुन के सखा हैं, द्रौपदी जी के सखा हैं, मेरे को कृपा कीजिए. और ये चीज नारद मुनि भी व्यासदेव का महाभारत में खंडन करते हैं. महाभारत में व्यासदेव जी ने बहुत बड़ा गलती कर देते हैं. जब प्रश्न उठता है कि युधिष्ठिर महाराज क्यों, युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी जी जब स्वर्ग गमन हो रहा है, महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रौपदी पहले ही गिर जाते हैं, और प्रश्न उठता है कि द्रौपदी पहले कैसे गिर जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज उत्तर क्या देते हैं. युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, व्यासदेव लिखते हैं कि द्रौपदी वॉज मोर फेवरिंग टू अर्जुना. हालांकि हम पांच पांडव द्रौपदी को सेम तरीके के प्रेम करते हैं, करते थे, पर द्रौपदी अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए द्रौपदी गिर गए. तो वेदव्यास महाभारत में इसको बहुत ऊंचे से बताते हैं, पर जब युधिष्ठिर महाराज ऊपर जाके देखते हैं कि द्रौपदी ऑलरेडी भगवत धाम में पहले ही पहुंच गई है, तब व्यासदेव चुप बैठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है. इसलिए नारद मुनि उनको आके गाली मारते हैं, तुम नालायक, महाभारत में भक्ति को तुमने ऊंचा दर्जा नहीं दिया. जब द्रौपदी पहले गिर गई तो तुमने बता दिया क्या कि अरे ये तो अर्जुन का अच्छे से सेवा किया, बाकी पांच पांडवों को अच्छे से नहीं किया, इसलिए वो पहले पहुंच, इसलिए पहले गिर गई वो. पर जब द्रौपदी जी एक्चुअली पहले भगवत धाम पहुंचते हैं और युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं, तब युधिष्ठिर महाराज, उधर लिखा ही नहीं जाता है कि द्रौपदी पहले कैसे पहुंच गई, कि
क्योंकि द्रौपदी जी ने भक्ति किया भगवान का। और उस चीज को व्यासदेव बताते नहीं महाभारत में, इसलिए नारद मुनि आके उनको कान पकड़ के भागवत लिखाते हैं, जिसमें भागवत में ही द्रौपदी अर्जुन पांडवों का भक्ति का गुणगान किया गया है। युधिष्ठिर महाराज, हालांकि युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के बड़े भक्त हैं, पर हमको शिक्षा देने के लिए ऐसे कर रहे हैं। कृष्ण खुद जाके युधिष्ठिर महाराज को बोले कि युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक ही उपाय है, जब द्रोणाचार्य सुनेंगे अश्वत्थामा मर गया है, तुम द्रोणाचार्य के पास जाके, मैं अगर जाके बोलूंगा द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा मर गया, मैं तो झूठ बोलता ही रहता हूं, कोई मानेगा नहीं। तुम तो कभी झूठ नहीं बोलता है, तुम जाके बोल कि अश्वत्थामा मर गया है, तो द्रोणाचार्य का मोरल डाउन हो जाएगा, फिर हम मार देंगे उसको। तो युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं बोलूंगा मैं। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को मना किए, युधिष्ठिर महाराज का रथ ऊपर उड़ रहा था, हवा में चल रहा था, नीचे गिर गया, क्योंकि धर्म कृष्ण को पालन करना ही है। और फिर द्रोणाचार्य, कृष्ण जाके द्रोणाचार्य को बोल दिए कि अश्वत्थामा तो मर गया, अश्वत्थामा मर गया, ऐसे फैलाने लग गए कृष्ण। तो द्रोणाचार्य बोले अश्वत्थामा मर गया, मैं युधिष्ठिर को पूछता हूं, युधिष्ठिर अगर बोलेगा मर गया तो मर गया। तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज को आके प्रश्न पूछते हैं कि अश्वत्थामा क्या मर गया? तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को देखते हैं, द्रोणाचार्य को देखते हैं, क्या बोले? ऑलरेडी मना कर दिए हैं कृष्ण को। तो अश्वत्थामा हता बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, नरे वा कुंजरे, मैं जानता नहीं हूं, मतलब हाथी अश्वत्थामा मरा है या मनुष्य अश्वत्थामा मरा है, मेरे को पता नहीं। और वो जो लास्ट वाला जब बात करते हैं ना युधिष्ठिर, नरे वा कुंजरे, कृष्ण अपना शंख बजा देते हैं, तो द्रोणाचार्य को लास्ट वाला शब्द सुनाई नहीं देता है। तो द्रोणाचार्य को लगता है अश्वत्थामा हत, पर युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को फॉलो नहीं करते हैं। ही इज अ डिवोटी ऑफ मोरालिटी ओनली, ही इज नॉट डिवोटी ऑफ कृष्ण। एंड बिकॉज ही इज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्ण, ही प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी अ डिवोटी ऑफ मोरालिटी, तुरंत उसका रथ डाउन हो जाता है। एंड अर्जुन एज अ कॉन्ट्रास्ट, अर्जुन को जैसे ही कर्ण निहत्य हो जाते हैं, मतलब उनके हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं होता है, तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, इसको मारो अभी, और तुरंत अर्जुन चला देता है बिना सोच के। और कर्ण कृष्ण को बोलते हैं, हे केशव, तुम धर्म के विरुद्ध कार्य करवा रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं, मैं ही धर्म हूं, मेरे को पता है क्या धर्म है, तुम मेरे को धर्म मत सिखा, तुमसे मैं धर्म नहीं सीखना चाहता हूं, तुमसे धर्म सीखूंगा तो मैं कब का आधार्मिक बन जाऊंगा, तुम मेरे को धर्म मत सिखा, मेरे को धर्म पता है। और उस समय अर्जुन मना नहीं किए कृष्ण को कि नहीं मारूंगा, पर युधिष्ठिर मना किए। ये चीज महाभारत में युधिष्ठिर को गौरवान्वित किया गया है और अर्जुन को गौरवान्वित नहीं किया है, पर भागवत में अर्जुन को गौरवान्वित किया गया है, इसीलिए नारद मुनि व्यासदेव का कान पकड़ के भागवत लिखवा के जाते हैं कि अरे धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से ही सारा धर्म का सृष्टि होता है, भगवान को पालन करना ही धर्म है। अर्जुन द्रौपदी भगवान को पालन किए हर समय, भगवान का भक्ति को पालन किए, और युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के बड़े भक्त हैं, पर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि वी शुड फॉलो कृष्ण, धर्मा इज टू गिव प्लेजर टू कृष्ण, भगवान के आनंद के लिए। भगवान कभी भी हमको बोलेंगे नहीं अधर्म करने के लिए, पर हां कोई अगर अधर्म हो रहा है और उस अधर्म को अधर्म से ही काटा जा सकता है तो भगवान बोलेंगे तो हमको अधर्म भी करना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए तो अधर्म हो गया, भगवान कभी नहीं बोलेंगे। भगवान तो लास्ट मोमेंट तक चेष्टा किए कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध ना हो, पर जब होने का था भगवान ने सब कुछ किया कौरव लोगों का हत्या करने के लिए, क्योंकि उनको पता था ये अधर्मिक है। तो
ये तृतीय जिनिस है, तृतीय शिक्षा है जो हम द्रौपदी जी के जीवन में हम सीख रहे हैं कि द्रौपदी वॉज सच ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड ऑल द स्ट्रेंथ दैट द्रौपदी वॉज डिराइविंग फॉर फॉलोइंग धर्म इन लाइफ फॉर डूइंग डेडिकेटेड सर्विस इन हर लाइफ इज थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डिवोशन. तो अगर हम भी कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, if we also want to follow spiritual principles in our life, we must become devotee of Krishna. और भगवान का भक्ति क्या है? भगवान का भक्ति है भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करें. If we are someone's wife, we should play the role of someone's wife for the pleasure of Krishna. That is devotion. If we are someone's husband, we should play the role of someone's husband very nicely as a service to Krishna. If we are someone's student, if we are someone's teacher or guru, if we are someone's son or a daughter, or we are doing anything, devotion means we should do it in a way to give pleasure to Krishna. And jab hum wo karte hain, भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि हमारा छाया बन के घूमते रहते हैं. तो अगर भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, अच्युत हैं, जो अजित हैं, जिनको कोई नहीं जीत सकता है, वो अगर हमारा छाया बन जाए तो हमारे जीवन में क्या समस्या हो सकता है. तो भगवान खुद युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में बताते हैं कि मैं द्रौपदी जी का ऋणी हो गया हूं क्योंकि द्रौपदी जी ने मेरे को एक बार गोविंद पुकारा था, प्रेम से गोविंद पुकारा था. उस गोविंद का नाम हरे कृष्ण महामंत्र को श्री प्रभुपाद ने हमको हर दिन मौका दिया है कि हर दिन नियमित रूप से उस तरह पुकारेंगे. और कभी भी अगर एक बार भी हम प्रेम से भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कृष्ण खुद बताते हैं कि वो कितने कृतज्ञ हो जाएंगे कि उनके हृदय में हम ऋणी हो जाएंगे वो हमारे लिए, क्योंकि हमने एक बार भगवान का नाम प्रेम से लिया. तो ये द्रौपदी जी से हम सीख सकते हैं कि द्रौपदी हर परिस्थिति में भगवान को कभी छोड़े नहीं. और क्योंकि वो भगवान को कभी हर परिस्थिति में छोड़े नहीं, कभी भी छोड़े नहीं, धर्म मंगल सब कुछ द्रौपदी जी और पांडवों को कभी छोड़े नहीं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को अपने जीवन में साथी बनाएं. और कृष्णा मतलब कृष्ण का सखा, हम भी कृष्ण को अपने जीवन का सखा बनाएं. Krishna is already our best friend. And if we become Krishna's best friend, if we realize this fact that how Krishna is our best friend, then we will access unlimited mercy, unlimited power, unlimited strength of Krishna, by which all we'll get strength to overcome all problems in our life. हम देखते हैं कि द्रौपदी जी ने बहुत बड़ा प्रवचन किसी को नहीं दिया. हम नहीं देखते हैं कि द्रौपदी जी का इतना सारा शिष्य थे, बहुत बड़े गुरु थे. द्रौपदी जी didn't give lot of preaching. द्रौपदी जी का YouTube चैनल नहीं था. She was not having lot of Facebook followers. She never initiated anyone and made some disciples. We didn't hear any disciples of द्रौपदी. But Krishna is purchased by Draupadi's devotion. Because she was following what she was thinking. हम बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं तो कृष्ण भी सुनते हैं, हाँ श्री नितायदास बहुत इच्छा अच्छा प्रवचन दिया. पर कृष्ण ना कि कृष्ण does not only hear our words, Krishna also hears our thoughts. भगवान खाली हमारा शब्द नहीं सुनते हैं, भगवान हमारा हृदय का सोच भी सुनते हैं. और हमारा शब्द जो मुख से निकलता है और हमारे हृदय से जो सोच निकलता है, उसके अंदर जितना गैप है
उतना गैप हमारा और भगवान के बीच में. द गैप बिटवीन आवर थॉट्स एंड द गैप बिटवीन आवर वर्ड्स वी स्पीक एंड थॉट्स वी थिंक इज द गैप बिटवीन अस एंड कृष्णा. लोग बोलते ना कि भगवान अगर हमारे हृदय में, मेरे को क्यों सुनाई नहीं दे रहा है. अरे नालायक, तुम जो सोच रहा है वही बोल रहा है क्या? वी आर स्पीकिंग समथिंग बट वी आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट गैप कृष्णा इज नॉट जस्ट हियरिंग आवर वर्ड्स. ओ श्री निताय दास, क्या प्रवचन मारा. पर बट वी शुड ऑल्सो थिंक एंड ऑल्सो एक्ट what we are speaking. When the gap between our thoughts and our actions and words, they reduce, then the gap between us and Krishna will also reduce. We may become big preachers, but Draupadi was not a big preacher. But because Draupadi was following devotion, following the principles of devotion in her life, she was not just giving big classes. So we may give big classes or we may not give big classes, but the how we are speaking, what good things we are speaking and what actions we are doing, if those actions match with our thoughts and there is no gap, then there will be no gap between us and Krishna. We may speak big things. Oh, मैं इतना अच्छा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पर अगर हम करते नहीं हैं और सोचते भी नहीं है करने के लिए, वो जो गैप है वो हमारा और भगवान के बीच में गैप है. और जब तक वो गैप कम नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तब तक हम भगवान का साक्षात्कार हमारे जीवन में नहीं होगा. So, ये द्रौपदी जी से हमको शिक्षा मिलता है. द्रौपदी जी एन एम्ब्लेम of determination and dedication because she is the personification of devotion. Because she followed the principles of devotion, she made Krishna as her center of her life. And Krishna bestowed her with all strength and mercy to follow the principles of dharma in her life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Krishna Bhagavan ki, Srimati Draupadi Devi ki, Jai Shri Shukadev Goswami ki, Srimad Bhagavat Mahapurana ki, Jai Shila Prabhupada ki, Samabet Gaur Bhakta Brind ki, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna.